वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nic.in पर NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है नीट 2020 के रिस्पेक्ट में। उस नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को दी गई है, तो एक गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स जो अब की बार नीट 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्होंने नीट 2020 का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको नीट और अन्य ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए उनकी वीडियोस मिल सके। तो इस नोटिस को सबसे पहले पब्लिक नोटिस पर नज़र डालते हैं। ये जो पब्लिक नोटिस है वो NTA द्वारा जारी किया गया है। तो इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके न्यूज और इवेंट सेक्शन में ये नोटिस दिया गया है, उस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें बोला क्या गया है वो देख लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2020 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था, और सबमिट करते वक्त उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन रह गई है जो उन्होंने 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में जो करेक्शन विंडो ओपन की थी उसमें उन्होंने करेक्ट नहीं की, तो वो अब उस करेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ये जो करेक्शन विंडो है वो NTA द्वारा रीओपन की गई है नीट के सभी कैंडिडेट्स के लिए, और ये रहेगी 13 मार्च से 19 मार्च 2020 को 12 बजे तक। ये जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी, तब तक इसमें आप सभी करेक्शंस कर सकते हैं। और JNK के कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी जो करेक्शंस है उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी जो अपने डाटा फिल किया था, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त डाटा फिल किया था, उस डाटा को आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा आपने फिल किया है। तो एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये जो करेक्शन वीडियो है इसमें जाके डाटा आप चेक कर लीजिए, आप अपना सभी का डाटा जो आपने भरा है वो सही है। अगर सही नहीं है तो आपके पास एक और मौका है करेक्शन करने का, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप इतना जरूर करिए, एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से मौका दिया है NTA ने, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स रह गए थे और NTA को मेल्स प्राप्त हुए थे काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस के रिगार्डिंग, तो इन्होंने करेक्शन विंडो फिर से रीओपन कर दी है। तो एक बार चेक जाके चेक कर लीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी स्टूडेंट्स को देनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी को पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।